कर लेते हैं जबलपुर की, जहां बेलबाग पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से 2 किलो गांजा बरामद किया है। तस्करी में जो शामिल थे उन्हें भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी बेलबाग अरविंद चौबे ने बताया, क्राइम ब्रांच पुलिस और बेलबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की है। तहसील चौक के पास जहां गुलजार नाम का आरोपी गांजे की खेप के साथ उसे बेचने की फिराक में अपनी कार से पहुंचा था, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। उसके ऊपर NDPS का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपी गांजा कहां से लाता था, किसको बेचता था, इसकी भी जांच की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना बेलवाग पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के द्वारा विगत दिवस तहसील चौक के पास से एक अल्टो कार में गुलजार नाम के व्यक्ति को 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है और आरोपी गुलजार के विरुद्ध विधि अनुसार NDPS के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्रवाई की जाकर गिरफ्तारी की जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसमें आरोपी गुलजार खान कहां से गांजा लाया था, किससे लाया था, इस संबंध में जांच की जा रही है। उसके द्वारा बताया गया है कि ये गांजा उसको अंसारी के द्वारा दिया गया है। अंसारी की तलाश की जा रही है। पुराना कुछ बताया, ये लड़का 22 वर्ष का है। इसका पुराना रिकॉर्ड थाना बेलबाग में नहीं पाया गया है। संबंधित थाने जहां से उसका निवास स्थान है उस थाने से रिकॉर्ड प्राप्त किया जाए। जबलपुर की संजीवनी नगर पुलिस ने 3 लोगों पर 400 BC का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला है। बताया जाता है मुकेश पटेल, उसका पिता कमलेश पटेल सहित आराध्य डेवलपर्स के आशीष द्वारा एक जमीन के सौदे में 400 BC किए जाने पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है शिकायतकर्ता राजेश अवस्थी, धर्मराज राजपूत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 2 अलग-अलग मामलों के तहत प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में 400 BC का मामला पंजीबद्ध किया था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये 420 का मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मनीष पटेल और उनके पिता कमलेश पटेल और एक जो उनके आराध्या डेवलपर्स के पार्टनर हैं आशीष रावत के विरुद्ध है, जिसमें अलग अलग 2 शिकायतों पर 2 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायतकर्ता राकेश अवस्थी और धर्म प्रकाश राजपूत की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि मनीष पटेल और उसके सहयोगियों के द्वारा एक ही जमीन को अलग अलग लोगों को बेचा गया है और लाभ अर्जित किया गया है। जो जांच पर इनके द्वारा इस तरह का धोखाधड़ी करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन्हें गिरफ्तार कर माननीय